यहूदी शापित है क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह की हत्यारी थे। पुस्तक के हाँ, पर हम उन दिनों के युद्ध लोगों से आज का युद्ध को तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आज का युद्ध हमारे तरह यीशु की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ये उन प्राचीन हाई प्रेस्ट और लीडर गणों का काम था, क्योंकि वो प्रभु यीशु के चमत्कार को बर्दाश्त कर नहीं सकते। हमारे प्रभु यीशु दिन दुखियारी के सहारे थे, उनका दुख दूर करके उनको खुशियां वापस देते थे, जो कि प्राचीन हाई प्रेस्ट और लीडर गणों को पसंद नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं था। वो परमेश्वर का नाम लेकर हुकूमत चलाते थे लोगों पर। इसीलिए उन्होंने सोचा, अगर प्रभु यीशु हमारा साथ रहेगा तो उनका हुकूमत लोगों पर नहीं चलेगा, जिस कारण वो प्रभु यीशु के हथियारे बन गए। फिर आया वो दर्दनाक फ्राइडे के सुबह, जब और हाई प्रीस्ट और यहूदी बुजुर्ग लीडर गणों ने यीशु को मार डालने का लिए एक योजना बनाई। फिर वे यीशु को बांध कर ले गया और राज्यपाल पिलातुस के पास सौंप दिया। जब यीशु राज्यपाल के सामने पेश हुए, राज्यपाल ने उसे पूछा, क्या तू यहूदी के राजा है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ। तब पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू नहीं सुन रहा है कि वे तुझ पर कितना आरोप लगा रहे हैं? किंतु यीशु ने पिलातुस को किसी भी आरोप का कोई उत्तर नहीं दिया। पिलातुस इस पर बहुत आश्चर्य हुए, क्योंकि साधारण लोग हमेशा अपना बचाव करते रहते हैं और बोलते रहते हैं, नहीं हम दोषी नहीं हैं। पर यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब भीड़ आ जुटी तो पिलातुस ने उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए किसे छोड़ूं, बदनामी बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? वो कपटी हाई प्रीस्ट और बुजुर्ग लीडर नेताओं ने भीड़ को बहकाया, फुसलाया। वो पिलातुस से बरअब्बा को छोड़ने की और यीशु को मार डालने का मांग करे। पर पिलातुस ने उनसे पूछा, क्यों, यीशु ने क्या अपराध किया है? इस पर तो वे और अधिक चिल्लाए और कहने लगे, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। फिर पिलातुस ने थोड़ा पानी लिया और भीड़ के सामने अपना हाथ धोया। वो बोला, इस व्यक्ति के खून से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ये तुम्हारा मामला है। उत्तर में सब लोगों ने कहा, इसकी मौत का जवाब था, हम और हमारे बच्चे शिकार करते हैं। That's all. यहूदी ने अपना सर्वनाश खुद मांग लिया। अब जरा इस बात पर गौर करें, जब उधर यहूदी के पारंपरिक फसे का पर्व चल रहा था, कातारों में मेमने खड़े थे अपने बलि चढ़ाने के लिए, और इधर लैम ऑफ गॉड अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह अपना प्राणों के बलिदान दे रहे थे दुनिया का पाप धोने के लिए। पिता परमेश्वर भी अपना बनाए हुई दुनिया को इतना प्यार किया कि अपना एकमात्र प्रिय पुत्र को उत्सर्ग कर दिया, ये दुनिया का पाप धोने के लिए उनका हर पीड़ा को बर्दाश्त कर लिया। करीब करीब 3 बजे का आसपास प्रभु यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उस पर भी मनुष्य ने उपहास किया। फिर यीशु ने एक बार ऊंचे स्वर में पुकार कर अपना प्राण त्याग दिया। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए, धरती कांप उठी, अर्थात हमारे प्रभु हमें छोड़कर अपने पिता के पास चला गया। After Christ died, within one generation, Jerusalem finished. रोमियो ने जेरूसलम के हर मंदिर को नष्ट कर दिया, उसका कलाकृति को लूट लिया, जिसका भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने पहले ही कर दिया था। उन्होंने बोला था, मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ,
यहाँ एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर टिका नहीं रहेगा। एक एक पत्थर को गिरा दिया जाएगा। जो हुआ था रोमियो के जीवन, उसका बाद रोमियो ने गांव गांव नष्ट कर दिया, यहूदी की आबादी को बर्बाद कर दिया, मार डाला, गुलामी में बेच दिया या पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। उसका बाद दूसरा विश्व युद्ध में हिटलर के दौरान करीब 7 लाख यहूदी मर गए थे। यही विनाश लीला जो यहूदी हाई प्रिंस ने और यहूदी जाति ने मांगा था। सच्चाई आप लोगों के सामने, विचार आप लोगों के ऊपर ही छोड़ रही। जय मसीह। हे मेरे राजा, जल्दी से वापस आ जा न्याय के लिए, क्योंकि ये दुनिया फिर से डूब चुकी है अन्याय के समुद्र में। बचा ले उसे, तेरा दास तेरा इंतजार कर रहा है। आमीन।